क्या बोल रहा था तू? सर उजड़ा चमन। शट अप, तुम्हारे बाप की उम्र क्या है ये? सर मैं 30 साल का हूँ। सनी सिंह स्टारर उजड़ा चमन और आयुष्मान खुराना की बाला दोनों ही फिल्म्स लगभग एक साथ पर्दे पर आने वाली हैं। दोनों की कहानी भी एक ही सब्जेक्ट पर बेस्ड है और इसी वजह से दोनों ही फिल्म्स कंट्रोवर्सीज में फंसती चली गई। इन दोनों ही फिल्म्स के डायरेक्टर्स का कहना है कि उनकी फिल्म की कहानी असली है। आप ये टोपी पहन के काहे बात कर रहे हैं? हमारी टोपी हमारी मर्जी। धूप लग रही है क्या? हटाओ टोपी। किसी और को दिक्कत नहीं, आपको काहे हो रही है? नहीं हटाएंगे हम। शर्मा काहे रहे हो? हटाओ। जिसके लिए ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया, जहां कोर्ट ने रिलीज डेट के लिए अभिषेक पाठक के डायरेक्शन में बनी उजड़ा चमन को 1 नवंबर को रिलीज करने की इजाजत दे दी है। इसमें कोई शान की बात नहीं है। वर्जिन मरेगा, वर्जिन। क्या मरेगा? वही एक्टर आयुष्मान और यामी गौतम स्टारर फिल्म बाला 7 नवंबर को रिलीज होने जा रही है और इसी सिलसिले में फिल्म के दोनों ही स्टार्स मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से इंटरैक्ट करते हुए आयुष्मान ने बातों ही बातों में फिल्म उजड़ा चमन और बाला के ट्रेलर को कंपेयर करते हुए बड़े ही मजाकिया अंदाज में तंज कसा और कहा, आज की ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, ट्रेलर देख के पहचान जाती है कौन सी फिल्म अच्छी है कौन सी नहीं है। And I'm glad बाला के ट्रेलर को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और 7th को आपको पता चल जाएगा कि अच्छी फिल्म है। अब देखना ये होगा कि एक ही सब्जेक्ट पर बनी दो फिल्म बाला और उजड़ा चमन में से दर्शक किसे ज्यादा पसंद करते हैं। एंटरटेनमेंट डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस।